गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है कालका शिमला रेल। यह एक लेख है आपकी पाठ्यपुस्तक सुमेधा हिंदी पाठमाला कक्षा 5 के 17 पाठ से यह लेख है। तो कालका शिमला रेल के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले इसमें यह है कि यात्रा का अनुभव, यानी हम सबको जीवन में यात्रा का अनुभव हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। कहीं भी आप यात्रा करिए, रेल के माध्यम से करें या किसी बस के माध्यम से या कैसे भी करें, अगर आप यात्रा करते हैं तो वह यात्रा हमें कुछ ना कुछ जीवन में सिखा देती है, यानी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पाठ में लेख के अनुसार भी रेल में सफ़र करना तो सभी को पसंद है, सभी को मनपसंद रहता है, क्योंकि रेल बहुत आरामदायक सफ़र होता है और यह बहुत ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली, क्योंकि सबसे सस्ती और पसंद भी ये है रेल की सवारी करना। मगर बात कालका और शिमला रेल की हो तो फिर और क्या कहना, फिर तो बात ही कुछ और होती है। इस रेल मार्ग की चौड़ाई, यानी यहाँ पर कालका और शिमला रेल की जो मार्ग है, जिस मार्ग से जाती है, उस रेल मार्ग की चौड़ाई जो बताई गई है पाठ के अनुसार, वो मात्र 2 फुट 6 इंच है। ध्यान से सुनिएगा, 2 फुट और 6 इंच की यह रेल मार्ग की चौड़ाई है और इसी कारण यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यानी इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम है, 2 फुट मात्र 6 इंच की चौड़ाई में यह रेल चलती है, इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे स्थान मिला है। इसी कारण यह कालका शिमला रेल बहुत ही दुनिया में यह जानी जाती है और इसकी चर्चा बहुत होती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद इस खिलौने गाड़ी की यात्रा है। यानी जो बाहर से पर्यटक हमारे यहाँ विदेशी घूमने आते हैं, उनकी सबसे पहली पसंद होती है इस खिलौने गाड़ी, यानी यह खिलौना रूपी गाड़ी इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें सवारी बहुत कम होती है और इसकी जो रेल की जो सड़क है, रेल मार्ग है जो उसको बनाया गया है जिसमें चलती, उसकी चौड़ाई जो बताई गई है मात्र इतनी है और इसमें बहुत कम सवारी आती है, यह एक खिलौना के जैसे है, इसलिए ये लोगों की पसंद और आकर्षण का कारण बनी है। कालका शिमला रेल मार्ग का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास का भी इसमें बहुत महत्व है। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, यानी इस रेल मार्ग का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। सबसे दिलचस्प माने दिल को अच्छी लगने वाली बात इसमें यह है कि अंग्रेज इंजीनियरों की मदद हमारे यहाँ का एक अनपढ़ और ग्रामीण भलखू नामक व्यक्ति ने की थी, जो बिल्कुल अनपढ़ देहाती गंवार और गांव का एक किसान, उसने उस अंग्रेज इंजीनियर की मदद की थी। यह एक इतिहास में प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि वह आगे आगे कुदाल जैसे ज़मीन खोदी जाती है, उससे वो निशान लगाता जा रहा था और पीछे पीछे अंग्रेज इंजीनियर उसका अनुसरण मन उसकी नकल करते गए थे। इसलिए यह बहुत दिलचस्प कहानी है। वैसे भी कालका से शिमला तक का रेल मार्ग 95 किलोमीटर है, यानी जो रेल मार्ग है वो कालका से शिमला की दूरी जो है मात्र 95 किलोमीटर लंबा है। यह यात्रा 6 घंटे में पूरी होती है। शिमला पहुंचने से पहले यहाँ पर रेल 102 सुरंगों से गुजरती है, यानी पहाड़ों के बीच से गुफाओं को काटकर यह रेल मार्ग बनाया गया है और इसमें शिमला पहुंचने के पहले ही इसमें कितने जो है 102 सुरंग, जो सुरंग बनाए जाते हैं गुफाओं के अंदर, उससे होकर रेल गुजरती है। सुरंगों से गुजरते समय यात्री रोमांच से भर जाते हैं। रोमांच माने उनका शरीर का अंग अंग रोमांचित यानी पुलकित हो जाता है। जैसे आप डर जाते हैं तो आपके रोएं रोएं खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ रोमांचित का मतलब होता है
कि एक प्रकार का मतलब कि डर या आश्चर्य से लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित का मतलब रोंगटे खड़े हो जाना हो जाते हैं। और इसके मार्ग में पढ़ने वाले पुल भी बड़े कलात्मक, कलात्मक माने बहुत ही चित्रकारी ढंग से बने हुए हैं। पुलों की संख्या 869 यानी 869 है। इनमें से एक पुल कनोह नामक स्थान पर है, कनोह नामक स्थान पर है जो 4 मंजिला है, इसलिए यह विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो ये आज आपको हम इस शिमला और कालका रेल के विषय में जो बताया कि ये एक रेल मार्ग है, ये ऐतिहासिक है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है, इसमें हमारे यहाँ के एक छोटे से ग्रामीण व्यक्ति की बहुत बड़ी भागीदारी है, और इसमें 102 सुरंगें पड़ती हैं और 869 पुल पड़ते हैं। और इसके आगे की कहानी हम आपको क्लास के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।